जरूरत होती है। अब कुछ गिजाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सेहतमंद होती हैं, यानी कि हेल्दी होती हैं, और कुछ गिजाएं ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए सेहतमंद नहीं होती, यानी कि वो क्या होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्दी रहने के लिए वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेने होते हैं, यानी कि हमें सब्जियाँ खानी चाहिए और मिल्क पीना चाहिए डेली, और एग खाने से भी हम क्या रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। यानी कि सारे वेजिटेबल्स, मिल्क, एग और फ्रूट्स, ये हमें क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। यानी अगर हम अपनी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। इसी तरीके से बेटा अनहेल्दी फूड, यानी कि वो फूड जो हमारी बॉडी के लिए सेहतमंद नहीं होता या हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, तो हमें लेके मतलब सबसे पहले है जैसे ये लॉलीपॉप है और ये केक, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा, हमें ये ऐसे फूड है जो हमें हेल्दी तो नहीं बनाते, हेल्दी यानी ये खाकर हम सेहतमंद नहीं रह सकते, यानी कि ये अनहेल्दी फूड है। ये वो फूड है जो हम कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन डेली डाइट में